अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी। बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कई एक करामात हैं जिनसे इस्लाम को रोशनी मिली, इस्लाम फैला और लोग चौक दर चौक इस्लाम में दाखिल हुए। अब रहमतुल्लाह ताला अलैह को जो शेखुल इस्लाम का लकब दिया गया ख्वाजा बख्तियारुद्दीन काकी रहमतुल्लाह ताला ने, नबी करीम अलैह सलातो वस्सलाम को ख्वाब में देखा और कहा यह खिलत, ये लकब वाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के लिए है, और फिर इन्हें शेखुल इस्लाम का लकब दिया गया। तो आपने बखुशी से कबूल किया ये कहते हुए कि ये लकब मुझे सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से अता हुआ है। सुल्तान शम्सुद्दीन अल्तमश के दौर में आप मुल्तान शरीफ में रहे। सुल्तान चूँकि ख़ुद भी औलिया की ताज़ीम किया करता था तो आप इनके दरबार से वाबस्ता रहे लोगों की खैरख्वाही के लिए। बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने दुरूद शरीफ के बारे में क्या इरशाद फरमाया? आप फरमाते हैं कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है उसका दीन सलामत रहता है। इसके अलावा आपके अकवाल में ये भी मिलता है कम खाने में तंदुरुस्ती, दरवेशों का ये तरीका नहीं है कि वो ज़्यादा खाएं। एक कौल ये भी है कि रूह की सलामती गुनाह छोड़ देने में। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत सिद्द के दिल और इखलास के साथ की जाए। अल्लाह ताला इनके मज़ार पुर अनवार पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और इनके फ्यूज़ से हमें मुस्तफीज़ फरमाए। السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام استغفر الله استغفر الله استغفر الله يا ارحم الراحمين اولیاء کرام کے شہر میں موجود ہیں اور تیرے نیک بندے تیرے ولی کامل بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہیں یا اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما اے مولا کریم تو اپنے ولی سے محبت فرماتا ہے اے مولا کریم तू जानता है तेरी शान है तू अपनी वली से किस कदर मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह उसी मोहब्बत का वास्ता हमारा ईमान सलामत रहे। अल्लाह इनके फैज़ से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमा। मौला करीम जितने हाज़रीन हैं सबकी जायज़ दुआओं पर रहमत की नज़र फरमा। या अल्लाह कादरी कुरैशी फाउंडेशन को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्कियाँ अता फरमा। लोगों के लिए जो क्राइसिस चल रहे हैं मौला उसमें आसानी फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।